धोखा दिया भतीजे को, और जो भतीजा का नहीं हुआ वो फिर किसका होगा? पशुपति पारस के लिए संकट का समय है। और चिराग पासवान चाहेंगे कि वहीं से चुनाव लड़े और अपने पिता की विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाए। दोनों साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। पशुपति पारस को भी बहुत संगठन चलाने का अनुभव है। रामविलास पासवान जब थे तब भी पार्टी का संगठन का सारा कार्य पशुपति पारस ही करते थे। तो चिराग पासवान नेता है, पशुपति पारस संगठन चलाने में माहिर है, तो दोनों साथ हो जाएं तो और बेहतर है उनके लिए। अगर साथ नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि जो पासवान वोट है तो उसका झुकाव, वोटर का झुकाव चिराग पासवान की तरफ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज हम हाजीपुर में थे और हाजीपुर में लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हाजीपुर में लोगों का मिजाज क्या है, लोगों का मूड क्या है। और हाजीपुर में जिस तरह से लड़ाई होनी है 2024 में, जो कि तय माना जा रहा है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच लड़ाई होगी, तो लोग किसके साथ हैं? ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि वो चिराग पासवान के साथ हैं। ऐसे में क्या चाचा पशुपति पारस के लिए 2024 बहुत मुश्किल है, हाजीपुर बहुत मुश्किल है, और क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति है कि समय रहते चाचा उस अपने अनुकूल उस स्थिति परिस्थिति को बना ले? हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, क्या जो आज हमने देखा है, ज्यादातर लोगों ने या तकरीबन सभी लोगों ने चिराग पासवान के पक्ष में अपनी बात कही, कहा कि वो नेता चिराग पासवान को मानते हैं, क्या पशुपति पारस के लिए हाजीपुर बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है? देखिए, वो रामविलास पासवान का चुनाव क्षेत्र है और रामविलास पासवान वहां से हमेशा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते भी रहे हैं। पशुपति पारस उस सीट से लड़े थे, वो भी जीते, लेकिन ये जीत पशुपति पारस की नहीं थी, ये जीत रामविलास पासवान की ही थी। और मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जब लड़ेंगे चुनाव, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। और जैसा कि लोग वहाँ नाराज हैं क्योंकि चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति पारस अलग चले गए और पार्टी ही हाईजेक कर लिया, तो आपने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने पार्टी को तोड़ क्या दिया, पार्टी ही हाईजेक कर लिया और धोखा दिया भतीजे को, और जो भतीजा का नहीं हुआ वो फिर किसका होगा? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पासवान तो बिल्कुल एग्रेसिव है चिराग पासवान के पक्ष में, और पशुपति पारस के लिए संकट का समय है। और आज हमने जो देखा है, क्या बीजेपी भी उसको समझ रही है? और ये जो एनडीए के कोटे से जो सीट है हाजीपुर की, वो चिराग पासवान के खाते में जाती हुई दिख रही है? देखिए, हाजीपुर से चुनाव जीतना है तो सर्वे जो आपको बता रहा है, मुझे लगता है कि चिराग को ही लड़ना पड़ेगा, पशुपति पारस के लिए मुश्किल होगा। पशुपति पारस अगर चिराग के साथ आ जाते हैं या चिराग पशुपति पारस के साथ हो जाते हैं, तब तो गुंजाइश है, तो चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान के साथ नहीं आते हैं और एनडीए से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। और चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे सुरक्षित सीट है हाजीपुर जी, और रामविलास पासवान का जीवन पूरा वही, राजनीतिक जीवन वही गुजरा है, उनकी विरासत है वो, तो चिराग पासवान चाहेंगे कि वहीं से चुनाव लड़े और अपने पिता की विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाए, तो जीत पड़े हुए कि इसको इस तरह से देखें कि चिराग पासवान की जरूरत चाचा नहीं है, चाचा की जरूरत अब चिराग पासवान बन गए हैं। दोनों साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। पशुपति पारस को भी बहुत संगठन चलाने का अनुभव है। रामविलास पासवान जब थे तब भी पार्टी का संगठन का सारा कार्य पशुपति पारस ही करते थे। तो चिराग पासवान नेता है, पशुपति पारस संगठन चलाने में माहिर है, तो दोनों साथ हो जाएं तो और बेहतर है उनके लिए। अगर साथ नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि जो पासवान वोट है उसका झुकाव, वोटर का झुकाव चिराग पासवान की तरफ रहेगा। एक सवाल यह भी है कि अगर पशुपति पारस हाजीपुर से नहीं, तो फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे वो इस बार, चुनाव लड़ सकते हैं अगर साथ आएंगे तो, हाजीपुर से लड़ सकते हैं। अगर साथ नहीं आएंगे
तो अगर चिराग पासवान भी चुनाव लड़ते हैं और वो भी चुनाव लड़ते हैं, चचा भतीजा आमने सामने होते हैं, तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। आपने तो देखा ही है, आपका ही सर्वे मैंने देखा जिसमें लगभग सभी पासवान लोग चिराग की तरफ देखे, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? पासवान सपोर्ट ही नहीं करेगा तो। और खुलकर लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक जगह पर हम लोगों ने बात की, अलग अलग जगहों पर बात की, अलग अलग लोगों से बात की, और हम तो यह भी कहेंगे कि बिना जाति पूछे लोगों से बात की है, जाति से ऊपर उठकर लोग चिराग पासवान का सपोर्ट कर रहे हैं, जो तो हमने समझाया, आप बेहतर बता पाएंगे। नहीं नहीं, एक गांव के पूरे लोगों से भी, 100 लोगों से भी बात करिएगा तो पता चल जाता है। एक गांव में भी एक आदमी के सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सर्वे में तो एक गांव में ही 100 लोग से ज्यादा लोग मिल गए जो चिराग पासवान के साथ खड़े दिखे। एक आदमी भी नहीं मिला जो पशुपति पारस जी का साथ दे। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ये नहीं कि पशुपति पारस को राजनीति नहीं आती। पशुपति पारस पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और पार्टी के नेता तो रामविलास पासवान ही थे, उनके नाम पर ही वोट मिलता था, और रामविलास पासवान के बेटे से अलग हैं तो चुनौती है, क्योंकि पिता की विरासत बेटा ही संभालता है। और ये दिक्कत इसलिए भी है कि लोगों के परसेप्शन में वो एक विलन की तरह है, एक परसेप्शन बना के उन्होंने पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा, और वो बात लोगों के जहन में घर कर गई है, इसलिए भी दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि साथ दोनों हो जाएंगे तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी।